अस्सलाम वालेकुम युवत, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? उम्मीद है होंगे आप लोग सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज के मैं तो आप लोगों को सूजन हो जाती है गले, वो सूजन होता है, पानी भर जाता है फिर फट जाता है, फिर वो उसका इलाज नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बकरी को हुआ था कल, तो जैसे भी हो ना जल्दी जल्दी देखो उसको, बकरी को देखो, ध्यान में रखो अपने जानवरों को कि यार किस हालत में क्या है, उसकी नज़रसानी करो। तो मेरी नज़र पड़ी उसको कल परसों, उसको झाग निकल रहे थे मुँह से, सही है? तो झाग निकल रहे थे तो मैंने बोला ऐसे ही होगा। फिर कल सुबह को मैंने जब बकरियों को निहला निहला रहा था तो ये दाढ़ है ना दाढ़, वो सूजन हो गई थी, तो काफ़ी परेशान हो गया था। फिर वो मैंने फिर एक किस पे इलाज किया, एक दोस्त के पास, उसने मेरे को टेबलेट लिख के दी, वो डाली, और काली जीरी है, सही है? और काली जीरी किसने बोला था मेरे को, वो आटे में डाल के उसको थोड़ी मुट्ठी भर वो आटे में डाल के उसको खिलाई, तो मुल्तानी, कच्ची मुल्तानी उसको भगो कर उसमें, तो अलहमदुल्ला अभी उससे बेहतर है। इसमें मैंने मुल्तानी भगो के इसमें थोड़ा डेटॉल डाल के रख दिया था, और उसको डेटॉल गर्म पानी करके, नमक डाल के डेटॉल डाल के उसको पहले इन्हें धोया, फिर उसको मुल्तानी लगा दी थी। अभी ये आपको दिखाता हूँ किस तरह मैंने लगाई, और आप लोग भी काफ़ी फ़र्क आ गया उससे, सही है? दिखाते हैं। तो ये मेरी बकरी है, इसको ये हुआ था, ये ना अभी भी देखें, अब मैंने मुल्तानी इसको लगाई हुई है, ये पूरा सूजन हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बेहतर है, खाने माने खा रही है, और ये सट हो गई, ये इसकी सूजन हो गई थी, ये जगह अभी माशाल्लाह बिल्कुल ये ख़त्म हो गया। और आइए चलो, तो ये चीज़ थी, ये कच्ची मुल्तानी होती है, काली जीरा होता है, जो काली जीरा जो आम सालनों में हम लोग डालते हैं वो होता है, को आटे में डाल के वो खिलानी पड़ती है, और टेबलेट का रेपर भी मैं आपको सेंड बता देता हूँ, सही है? तो ये वायरस चल रहा है गले का, ठीक है? तो इस बिना पे मैंने ये कहा मैं साथियों को सेंड कर दूँ, तो ये टेबलेट है, ये टेबलेट है जिससे वो गले की जो सूजन होती है बकरी की, वो माशाल्लाह से कम हो गई है। और ये इंसानों को भी दी जाती है, जो यहाँ पे जो दाढ़ के नीचे जो सूजन हो जाती है उसके लिए भी अच्छी होती है। तो ये मैं कल रात को मैंने दी थी आधी, आज ये भी मैं शाम को दूंगा, ठीक है? तो ये माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क आ गया बकरी को, खाने पीने भी सही हो गई है, तो इंशाल्लाह जो जनाब अभी मैं आ गया हूँ तो छत पे, छत पे देखो दूसरा बाज भी आ गया, देखो अभी बैठा हुआ और बाज बैठा हुआ है घोंसले पे अपने, माशाल्लाह इसने अपना घोंसला बनाया हुआ है, अंडे बच्चे अंडे दिए हुए मेरे ख्याल में, ऊपर से सही देखने में आएगा। अच्छा ये है बाज हमारे घर के सामने, और ये है टेबलेट जो मैंने रात को दी थी बकरी को, सूजन इससे काफ़ी कम हो गई बेचारी को, और मुल्तानी लगाई थी और पानी में डिटॉल डाल के उसके तो लोगना कहने रहता ना रे, पर देखे आया 2000 का था, देखते हैं इसको डालते हैं अंदर, लाइट
माशाल्लाह। फिर मैं छोड़ दी मैंने, देखते हैं क्या सिचुएशन आती है या नहीं। तो मेहनत नहीं अल्लाह तआला आसान करे। बकरियाँ बैठी हुई है माशाल्लाह, बकरियाँ बैठी हुई है। तो ये है इसको थोड़ा हो गया था, ये माशाल्लाह सेट हो गई है काफ़ी। ये सूजन भी नहीं है, अरे बहुत सूजा हुआ था। पूरा नीचे का ऐसा सोजन से माशाल्लाह भी सही है, भी फिट हो और ये भी फिट है। अस्सलाम वालेकुम, तो जनाब किसी आप लोगों को वीडियो लगी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना और भरे मेहरबानी अपने जानवरों का। अगर घर में जानवर है या बकरी बकरी है, कोई बीमारी है, तो इस फॉर्मूले का अमल करें, इंशाल्लाह आपकी बकरियों पर फ़ायदा होगा और इस बीमारी से निजात मिलेगी। और जानवरों का अपना ख्याल रखें, बेड़े ज़बान है और उसका खुसूसन ख्याल रखें। अगले वीडियो तक इजाज़त देना। अस्सलाम वालेकुम।